अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता का उदारवादी चिंतन। तो यानी स्वतंत्रता के बारे में जो उदारवादी चिंतन के जो विचारक हैं उन्होंने किस प्रकार से बात की है, उदारवादी चिंतन जो है वो स्वतंत्रता के संदर्भ में किस प्रकार की बातें करता है उसका हम जिक्र करेंगे। तो स्वतंत्रता का उदारवादी चिंतन के तहत मुख्य तो हम परंपरागत उदारवाद का जिक्र करते हैं, उसके बाद आधुनिक उदारवादी चिंतन का हम जिक्र करते हैं, उसके बाद समकालीन उदारवादी चिंतन या इसको नव उदारवादी या स्वेच्छातंत्रवादी चिंतन के रूप में भी हम जानते हैं इसका जिक्र करते हैं, समतावादी चिंतन का भी हम जिक्र करते हैं, और इसके इतर हम अलग से भी पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता का अलगाववादी सिद्धांत इसके बाद, बट ये उदारवाद में नहीं है, लेकिन इसके बाद हम स्वतंत्रता का अलगाववादी सिद्धांत भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले परंपरागत उदारवाद की बात करते हैं कि भाई स्वतंत्रता का जो उदारवादी चिंतन है उसमें परंपरागत उदारवादी चिंतन स्वतंत्रता के संदर्भ में किस प्रकार की बातें करता है। तो उसमें जो परंपरागत उदारवादी चिंतन है वो राज्य के हस्तक्षेप से व्यक्ति को पूर्ण तरीके से मुक्त रखने के पक्षधर है, यानी कि जो परंपरागत उदारवादी हैं वो व्यक्ति के जीवन में राज्य के हस्तक्षेप को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते हैं और व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वोपरि मानने की कोशिश करते हैं। ये जिस तरीके से नकारात्मक स्वतंत्रतावादी जो विचारक हैं उसी के समकक्ष ये विचारक भी हैं, इसी प्रकार की बात ये भी करते हैं, जिसमें हम जिक्र करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर का, उसके बाद जॉन लॉक का, लॉर्ड एक्टन का, डी टॉकविले का, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसी में जो देते हैं वो जेएस मिल और वाल्टेयर। तो यानी कहने का मतलब यह है कि परंपरागत उदारवादी जो चिंतन है वो स्वतंत्रता के व्यक्तिगत स्वतंत्रता पे अधिक बल देता है, राज्य की स्वतंत्रता को गौण मानता है और राज्य के हस्तक्षेप को व्यक्ति के जीवन में पूरी तरीके से प्रतिबंधित करने की कोशिश करता है, जिसके समर्थक मुख्यतः हर्बर्ट स्पेंसर, जॉन लॉक, लॉर्ड एक्टन, डी टॉकविले, जीएस मिल और वाल्टेयर। जीएस मिल और वाल्टेयर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे क्या करते हैं, बहुत अधिक बल देते हैं परंपरागत उदारवाद के तहत। तो इस तरीके से परंपरागत उदारवादी चिंतन स्वतंत्रता के बारे में अपनी बात रखता है, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अधिक ज्यादा तवज्जो देते हैं। अब हम बात करते हैं आधुनिक उदारवाद का। तो आधुनिक उदारवाद ये व्यक्ति और समुदाय के हित में कुछ हद तक राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार करने के पक्ष में है, यानी ये व्यक्ति और समुदाय के हित के लिए ठीक है, अगर लगे इनको जरूरी लगे तो ये राज्य के हस्तक्षेप को सही मानते हैं, इनको लगता है कि भाई अगर व्यक्ति कहीं पे विकास नहीं कर पा रहा है या समुदाय का हित अपने आप से नहीं बन पा रहा है तो राज्य क्या करे उसके उसमें हस्तक्षेप करे और उसके हितों को बढ़ावा देने के लिए क्या करे उसकी सहायता करे, तो इसलिए वो राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार मानते हैं। ठीक है, यानी ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राज्य के हस्तक्षेप के बीच तालमेल बिठाने की बात करते हैं। इसके जो मुख्य विचारक हैं उसमें लास्की का हम जिक्र करते हैं, ग्रीन का जिक्र करते हैं, इमैनुअल कांट का हम जिक्र करते हैं, हॉबहाउस का हम जिक्र करते हैं, हीगल का जिक्र करते हैं, बार्कर का जिक्र करते हैं और बोसांके का जिक्र करते हैं। तो यानी आधुनिक उदारवादी चिंतन मैं जो विचारक हैं वो इस प्रकार से इसके समर्थन करते हुए में पाए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम समकालीन उदारवाद, नव उदारवाद या स्वेच्छातंत्रवाद। समकालीन उदारवाद या फिर इसको नव उदारवाद हम बोलते हैं या स्वेच्छातंत्रवाद बोलते हैं, ये पुनः व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर देते हैं और नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। जिस तरीके से परंपरागत उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अधिक तवज्जो देता है उसी प्रकार से ये दोबारा से व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं और राज्य के हस्तक्षेप को पूरी तरीके से प्रतिबंधित करने की कोशिश करते हैं, जिसमें मुख्यतः विचारक हैं बर्लिन का जिक्र करते हैं, हेयर का जिक्र करते हैं और मिल्टन फ्रीडमैन का हम क्या करते हैं जिक्र करते हैं। तो ये अप्रोचेस समकालीन उदारवादी चिंतन में हमें देखने को मिलती है। उसके बाद बात करते हैं समतावाद की। तो समतावाद व्यक्ति की असमर्थता के सहारे के लिए राज्य की भूमिका पे बल देता है, यानी जो यहाँ पे जो आधुनिक उदारवाद है उसी का परिवर्तित रूप है। ये व्यक्ति अगर असमर्थ है तो उसकी असमर्थता को दूर करने के लिए राज्य की भूमिका पर ये विशेष बल देते हैं, इनको लगता है कि भाई व्यक्ति के जीवन में राज्य की भूमिका का एक विशेष महत्व है। और विशेष महत्व किस तरीके से है, अगर व्यक्ति कहीं पे अगर अपना विकास नहीं कर पा रहा है तो राज्य को उसका विकास करने के लिए क्या करना चाहिए, उसकी हेल्प करने के लिए तत्पर, उसके लिए साथ खड़ा होना चाहिए। उसके साथ ये लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का समर्थन करते हैं। अब देखो राज्य के हस्तक्षेप को तो स्वीकार कर रहे हैं लेकिन ये आधुनिक उदारवाद से एक कदम आगे बढ़कर के लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की बात कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि भाई अगर कोई राज्य में कोई नागरिक ऐसे हैं या कोई समुदाय ऐसा है कि वो अपना विकास नहीं कर पा रहा है और निम्न वर्ग का है या किसी भी आधार पर वो पिछड़ा है, ठीक है, मुख्य समाज के दायरे से पीछे है, तो राज्य को क्या करना चाहिए, उस व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए विशेष नीतियां बनानी चाहिए और राज्य को उस व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, कुछ विशेष कदम उठाने चाहिए। तो राज्य की इस भूमिका को बहुत ज्यादा तवज्जो देने की बात करते हैं समतावाद। तो इस तरीके से समतावादी विचारकों में हम जिक्र करते हैं मैकफर्सन का, जॉन रॉल्स का, अमर्त्य सेन का, जगदीश भगवती का। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट अलग से
स्वतंत्रता का अलगाववादी सिद्धांत। तो स्वतंत्रता का जो अलगाववादी सिद्धांत है, इनका मानना है कि पूंजीवाद ने व्यक्ति की सृजनात्मक क्षमता को खत्म कर दिया है, उसने उसकी स्वतंत्रता को उससे छीन लिया है। कहने का मतलब है कि अलगाववादी सिद्धांत का मतलब नव मार्क्सिस्ट। तो नव मार्क्सिस्ट किस प्रकार की बात करते हैं? इनका मानना है कि स्वतंत्रता का अलगाववादी सिद्धांत कहता है कि भाई जो पूंजीवादी व्यवस्था है, पूंजीवादी व्यवस्था ने व्यक्ति की सृजनात्मक क्षमता को खत्म करके उससे उसकी खुद की स्वतंत्रता छीन ली है। और पूंजीवाद आज क्या है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनने का एक सबसे बड़ा यंत्र बनता चला गया है। तो इस तरीके से ये पूंजीवाद की कट्टर आलोचना करते हैं। अगर हम देखें कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को कैसे खत्म किया है पूंजीवाद ने, तो इनका मानना है कि व्यक्ति जो क्रिएटिविटी व्यक्ति में है, व्यक्ति उस क्रिएटिविटी को नहीं करता है, बल्कि रोजगार की तलाश में अगर कोई सिंगर है तो सिंगिंग नहीं करेगा, या कोई खेलने में ज्यादा अच्छा है तो वो खेलेगा नहीं, वो दूसरे काम में लग जाएगा, जॉब की तरफ लग जाएगा, और उसकी वो क्वालिटी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। जब वो दूसरा काम करता है तो वो लगातार जब उस काम को करते जाता है तो बाद में क्या हो जाता है, उसको लगता है यार मैं कहां फंस गया, क्योंकि उसमें उसकी रुचि नहीं है। तो इस तरीके से उसको फिर लगता है कि भाई वो उसमें अकेलापन की भावना आती है, वो नैतिक अकेलापन को जाता है, और इस तरीके से इनका मानना है कि उसकी स्वतंत्रता उससे छिन जाती है, क्योंकि वो फिर उस कुछ करने के लायक नहीं रहता है, समाज और अपने आप से भी उसका मोह भंग हो जाता है। तो इस तरीके से वो एक मनोविदलता रोग से ग्रसित हो जाता है। तो इनका मानना है कि भाई इस तरीके का कॉन्सेप्ट यानी पूंजीवाद व्यक्ति की एकल स्वतंत्रता को व्यक्ति से छीन रहा है। वो किस लिए छीन रहा है, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था ने एक ऐसा तंत्र बना दिया है कि उसमें व्यक्ति एक जाल की तरह फंसता हुआ चला जा रहा है, उसकी क्रिएटिविटी जो वो करना चाहता है वो कर नहीं पा रहा है। तो इसलिए अपनी क्रिएटिविटी न करने के कारण उसकी जो वास्तविक स्वतंत्रता है उससे वो दूर जा रहा है, छीनी जा रही है। तो इस प्रकार से ये इसको करते हैं। इसमें हम जिक्र करते हैं एरिक फ्राम का, हर्बर्ट मार्क्यूजे का और युगेन हिबरमास का, जो नव मार्क्सिस्ट हैं। तो इस तरीके से हमने स्वतंत्रता का उदारवादी चिंतन में किस किस प्रकार की अप्रोचेस हमें देखने को मिली, परंपरागत उदारवादी विचारक किस प्रकार की बात कर रहे हैं, आधुनिक उदारवाद किस तरीके की बात कर रहे हैं, समकालीन उदारवाद या स्वेच्छातंत्रवाद स्वतंत्रता के चिंतन में किस प्रकार की बातें कर रहा है, साथ ही साथ समतावाद किस तरीके की बात कर रहा है, समतावादी विचार किस प्रकार की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ हमने स्वतंत्रता का अलगाववादी सिद्धांत भी खत्म कर दिया। तो इस तरीके से आपकी स्वतंत्रता के विभिन्न जो दृष्टिकोण हैं उन दृष्टिकोणों का जिक्र हमने इस तरीके से किया है।